क्या हो रहा है? ये शारदा अम्मा को क्या उठाने बोलकर गई? ये क्या है? जड़ी बूटी का रस, ये आपको शक्ति देगा। ये तो उससे भी बुरा था। ये क्या था? करेले का रस, ये आपके शरीर के सारे विकार मिटाएगा और आप चुस्ती और फुर्ती से लड़ पाएंगे। ले लामा, नीम का रस, इससे तू बीमार नहीं पड़ेगा, पी ले। अरे क्या पी ले, पी ले? क्यों इतना अत्याचार कर रहे हो मुझ पे? दरबार से तो आज विजयी होकर आया हूँ ना मैं। अब कल भी विजय हो ना, ये सब उसके लिए, आपको पीना ही होगा। नहीं 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 नहीं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, हटे। नहीं 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 नहीं, पियोगे नहीं, पियोगे नहीं, पियोगे। बहुत अच्छे पंडित रामाकृष्णा। पंडित रामाकृष्णा, उठिए 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 उठिए, आराम से आराम से आराम से। अरे अरे अरे, ये लीजिए तलवार। क्या कर रहे हैं पंडित रामाकृष्णा? ये कवच और तलवार का बोझ मुझसे नहीं सहा जा रहा मंत्री वर। पंडित रामाकृष्णा, क्या हो गया आपको? ये कवच और तलवार का भार भी नहीं उठा पा रहे हैं आप। कल अखाड़े में तलवारबाजी किस प्रकार से करेंगे? कोई दो चार दिन में योद्धा बन सकता है क्या मंत्रीवर? दो चार दिन में एक छोटा सा पौधा फल दे सकता है क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, आप दो चार दिन में बुद्धिमान हो सकते हैं? पंडित रामाकृष्णा, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम बुद्धिमान नहीं है? देखिए, बात मत पलटिए आप। आप सब मुझे योद्धा बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? क्या मैं चाहकर भी दो चार दिन में योद्धा बन पाऊंगा क्या? देखो, मैं सरस्वती का पुत्र हूँ, मुझे वही रहने दीजिए। मैंने अपनी युक्ति से देवदास की समस्या का समाधान निकाला ना, वैसे ही मैं शैतान सिंह की समस्या का समाधान अपनी युक्ति से निकाल लूंगा। मेरी जीत सुनिश्चित है। परंतु कैसे? वो देखो, गुरुवर मेरी विजय के लिए नगर की परिक्रमा कर रहे हैं। देखा? अब तो विश्वास हुआ ना? आप क्या देख रहे हैं? तलवार पकड़िए। क्या हुआ गुरुवर, पत्थर चुभ गया आपको? नुकीला पत्थर था, चुभ गया। कल शैतान सिंह हमेशा के लिए हमारे रास्ते के सबसे बड़े पत्थर को हटा देगा। अभी तक मुंह कड़वा ही है। नहीं, नीम करेला बबूल क्या क्या पिला दिया, तो बुद्धि भी काम नहीं कर रही। सोचने के लिए कोई ये सब पिलाता है क्या? रामा, कल बुद्धि का नहीं तलवार का खेल है। शैतान सिंह बिजली की गति से तलवार चलाता है। तुझे कुछ सोचना पड़ेगा रामा। तू चुप करेगा तो मैं कुछ सोचूंगा ना? कोई मुझे सोचने नहीं देता, चुप कर। सोच। मनी, इतना ध्यान रखना, हमें छुप के सब कुछ पता लगाना है। हाँ, ये कि पंडित रामाकृष्णा शैतान सिंह से बचने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो पता लगाने के बाद हम सब कुछ शैतान सिंह को बता देंगे, ताकि शैतान सिंह पंडित रामाकृष्णा का झुनझुना बजा सके। चल चल, पीछे पीछे से देखते।
कौन हो तुम दोनों? पलटना मत, पलटना मत, अन्यथा वृक्ष बना दूंगा। कौन हो? मैं वृक्ष की आत्मा। अब ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, और यदि सच नहीं बताया तो सच में वृक्ष बना दूंगा, फिर सदैव यहीं एक जगह खड़े सड़ते रहना। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, हमें वृक्ष मत बनाना, वृक्ष की आत्मा जी। हमारे गुरुजी ने हमें ये बताने के लिए मना किया है कि हम पंडित रामकृष्ण पर दृष्टि रखने आए, ये जानने आए हैं कि वो शैतान सिंह से लड़ने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है। क्षमा कर दीजिए। उचित है, सब कुछ जानने के पश्चात शैतान सिंह को बता देना सब। अभी चुपचाप खड़े रहो। खड़े हैं, परंतु मैं तैयारी क्या करूंगा, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं है। समझ गया क्या तैयारी करनी है और क्या समाचार भिजवाना है शैतान सिंह तक। क्या हुआ लामा? क्या सोच ले? मुझे मुकाबले की तैयारी करनी है गुंडप्पे, जा जाकर कोतवाल को सूचना दे। जा। रामकृष्ण जी, अब बताइए तो सही, हमें यहाँ क्यों बुलाया? आखिर हमसे ऐसी कौन सी सहायता चाहिए उस मुकाबले के लिए? अरे बाप, बता क्यों नहीं देते? कोई युक्ति सूझी भी है आपको या नहीं? कोतवाल जी, हाँ, मुझे शैतान सिंह से मुकाबला करने के लिए 4 हाथ लंबी म्यान चाहिए, कृपया बनवा कर ले। अच्छा, चल 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 चल। तत्तनाली 4 हाथ बड़ी म्यान, तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर 4 हाथ बड़ी तलवार भी होगी। कोई बात नहीं, हम अपने लिए 6 हाथ बड़ी म्यान बनवाएंगे, ताकि वो पंडित रामकृष्ण मेरे निकट ही ना आ सके। दूर से ही उसकी गर्दन उड़ा देंगे हम। तुम दोनों जाओ और उस पंडित की तैयारी पर पूर्ण निगरानी रखो। पंडित रामकृष्ण, तुम उतने बुद्धिमान हो नहीं जितना तुम अपने आप को समझते हो। ये लीजिए आपकी 4 हाथ लंबी म्यान। अब मुझे 8 हाथ लंबी म्यान चाहिए। 8 हाथ? क्या 8 हाथ लंबी म्यान? मैं 12 हाथ लंबी म्यान बनवाऊंगा। नाना माँ, ये तो केवल 2 हाथ लंबी लाठी है। पंडित रामकृष्ण जी, ये आ गई आपकी 8 हाथ लंबी म्यान। किंतु कोतवाल जी, अब 8 हाथ लंबी म्यान से कार्य नहीं चलेगा, अब तो 15 हाथ लंबी म्यान चाहिए। 15 हाथ लंबी? हाँ। उठा लो। ये पहले 15 हाथ लंबी म्यान बनने तो दो। एक साधारण सी तलवार तो उठाने पर इसको कैसे उठाओगे? हलूंगा।
आप 15 हाथ लंबी म्यान ले आए। अच्छा चलो जाओ जाओ गो। 15 हाथ लंबी बनवाइएगा। अच्छा अब वो पंडित रामकृष्णा मुझसे मुकाबले के लिए 15 हाथ की म्यान बनवा रहा है। अच्छा है अच्छा है। तो अब मैं उस मुकाबले के लिए 20 हाथ बड़ी म्यान बनवाऊंगा। मेरी म्यान सदैव उस पंडित के म्यान से बड़ी रहेगी। मैं विजय को प्राप्त होऊंगा और गुरुवर की ये परिक्रमा अपना रंग दिखाएगी। हाय हाय स्वामी, आप इस संसार के लिए इतने कष्ट उठा रहे हैं, देखिएगा आपकी इस परिक्रमा का प्रताप पूरे विजयनगर पे पड़ेगा और हर संकट दूर हो जाएगा। पूरी परिक्रमा में पंडित रामकृष्णा की पराजय के मंत्र का जाप किया है हमने। पंडित रामकृष्णा की पराजय से जो सुख मिलेगा उसके समक्ष परिक्रमा का कष्ट कुछ भी नहीं है, बस कल प्रातः होने की प्रतीक्षा है। तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? आज विजयी मैं ही होऊंगा, देखना। ये इस तरह चिंतित होकर मेरा मनोबल तो हरदा, एक वीर योद्धा की भांति आरती उतार कर भेजो मेरे। और मुकाबले के समय अखाड़े पर आ जाना सब। हाँ छोड़, अम्मा के पैर छूने हैं। बापू, वैसे तो पुत्र हूँ पर शुभकामना देता हूँ, विजय भव। अम्मा, हे माँ, आप सदैव सत्य का साथ देती हैं, मेरे पति को विजय बनाना। मुझे नहीं लगता पंडित रामकृष्णा शैतान सिंह से मुकाबला कर पाएंगे। वे अपनी बुद्धि से कोई ना कोई युक्ति निकाल लेंगे। शैतान सिंह को देखा है कि कितना बलशाली है। पंडित रामकृष्ण जी ने बड़े बड़े सूरमाओं को अपनी बुद्धि से परास्त किया है, तो ये क्या चीज है? आज अखाड़े में तुम्हें पंडित रामकृष्ण को पराजित करना ही होगा। मैं तो उस रामकृष्ण के प्राण ही हर लूंगा। मुझे ज्ञात है उस दुष्ट पंडित ने मुझे कितनी यातनाएं दी हैं। बस एक बार उसे मेरे सामने अखाड़े में आने तक गिन गिन कर बदला लूंगा मैं। जीवित नहीं बचेगा वो पंडित रामकृष्ण। महाराज कृष्ण देव राय की जय। गुरुवर जी। महाराज, आज आपकी परिक्रमा रंग दिखाएगी, पंडित रामकृष्ण अवश्य विजयी होंगे। जी महाराज, आपका विश्वास टूटेगा महाराज, पंडित रामकृष्ण की पराजय सुनिश्चित है। हे मां, मेरे पति को विजयी बनाना, उन्हें सुरक्षित पुनः घर पहुंचाना। आरंभ किया जाए मां मंत्री जी। महाराज, तो
आप सभी के समक्ष आ रहे हैं हमारे पहले प्रतिद्वंदी योद्धा शैतान सिंह। अद्भुत अद्भुत वाह वाह। महाराज आज विजयनगर भी मेरी वीरता से परिचित हो जाएगा। विजयनगर के निवासियों, शैतान सिंह आज तक परास्त नहीं हुआ है और ना ही आज होगा। ना भूतों ना भविष्य दिन। बुलाओ बुलाओ अपने विजयनगर के उस योद्धा को। काशिप कर बैठा है वो, उसे मेरे समक्ष लाओ। आज मैं उसे परास्त कर ही दम लूंगा। और अब आपके समक्ष आ रहे हैं हमारे दूसरे प्रतिद्वंदी योद्धा पंडित रामकृष्ण। रामकृष्णा, आज तुझे मैं चींटी की भांति मसल दूंगा। मसल दे मसल दे मसल दे। शैतान सिंह ये मत भूलो, वही छोटी सी चींटी यदि हाथी की सूंड में घुस जाए ना तो हाथी पागल होकर मर भी सकता है। हाँ आज मैं नहीं, तुझे मरना है। दोनों योद्धाओं के शस्त्र लाए जाएं। ये क्या है? इतनी लंबी तलवार? ये है पंडित रामकृष्ण का शस्त्र। पंडित रामकृष्ण इतनी लंबी तलवार से कैसे लड़ेंगे? हमने तो आज तक इतनी लंबी म्यान देखी नहीं है। लंबी तलवार, ये हो क्या रहा है? शैतान सिंह की तलवार तो पंडित रामकृष्ण से भी लंबी है। इतनी लंबी तलवार से युद्ध कैसे हो पाएगा? मुकाबला आरंभ होने से पूर्व हम उसके नियम बता देना चाहते हैं। हमारे शंख बजाते ही मुकाबला आरंभ हो जाएगा और जो योद्धा दूसरे योद्धा को निहत्था कर उसकी गर्दन पर तलवार रख देगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो अब मुकाबला आरंभ करते हैं। पंडित रामकृष्ण, आज तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। Thank you.
रामकृष्ण ने तो खेल ही पलट दिया। तुम्हारी पराजय हो चुकी है शैतान सिंह, और हमारे आज के विजेता है पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा, तुमने अपनी तलवार कब छोटी करवाई? शैतान सिंह, तलवार तो मैंने लंबी बनवाई ही नहीं थी, मैंने तो केवल म्यान लंबी बनवाने के लिए कहा था। 8 हाथ लंबी म्यान से कार्य नहीं चलेगा कोतवाल जी, अब तो 15 हाथ लंबी म्यान चाहिए। तो तुम योद्धा होते हुए ये कैसे भूल गए कि तलवार वही उपयोगी होती है जो समय पे उपयोग में आ सके। किंतु हथियार की होड़ में तुमने अपनी तलवार इतनी लंबी करवा ली कि समय पर म्यान से निकली ही नहीं, और तुम पराजित हो गए। इसे कहते हैं बैल बुद्धि। पंडित रामकृष्णा, काट दो मेरी गर्दन। मैं पराजित हो चुका हूँ। आज तक मैंने जितनों को भी परास्त किया है उनकी गर्दन को मैंने धड़ से अलग कर दिया है। मैं पराजित हो चुका हूँ, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए काट दो मेरी गर्दन। शैतान सिंह, विजय के मद में तुम्हें ये स्मरण नहीं रहा कि लोगों की गर्दन काटने से सच्ची विजय प्राप्त नहीं होती। अब तक तुमने जितने लोगों की भी गर्दनें काटी हैं, वो किसी का पुत्र होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा। उनकी मृत्यु से जाने कितने लोगों के जीवन में जो कमी आई है, क्या तुम वो कभी भी पूर्ण कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये युद्ध विजय और पराजय का था, और मैं तुम्हें पराजित कर चुका हूं। अद्भुत पंडित रामकृष्णा, ये होती है सच्ची खेल भावना। अद्भुत पंडित रामकृष्णा की, 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 पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, ये तलवार विजयनगर की ये धरती में हमेशा इसी प्रकार गड़ी रहेगी। आप सच में एक वीर योद्धा हैं। पंडित रामकृष्ण की जय! पंडित रामकृष्ण की जय! पंडित रामकृष्ण की जय! पंडित रामकृष्ण की जय! इस बार तो तुम हमसे बच गए पंडित रामकृष्णा। अब देखते हैं अगली बार कैसे बचोगे हमारे चक्रव्यूह से। अकड़ के क्यों बैठे हैं? ये शैतान सिंह को हराने की अकड़ है, सेवा के पश्चात ही जाएगी। परंतु अम्मा, आपके रहते इतनी अकड़। रामा बता क्या खाएगा? हम तेरे लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं। ये हुई ना बात, मुझे खाने हैं हलवा, पूरी, मेदू वड़ा, और हाँ पूरी खस्ता होनी चाहिए। अवश्य उठा लो। पहले सामने परोसो तो सही, तब उठाऊंगा ना। हमारे कहने का अर्थ है कि अर्थ वगैरह बाद में,
पहले यहाँ से रसोई में जाओ, चूल्हा जलाओ, करछी उठाओ और पूरियां तलना आरंभ कर। ठीक है परंतु जाओ। योगनप्पे बापू, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मार मार के आपको पूरी की तरह फुला दें। ग्रहण कीजिए महाराज। महारानी जी अद्भुत। महाराज, महारानी तिरुमलम्बा आप? महाराज, हमने आपके लिए स्वादिष्ट रक्तवर्धक करेले का पुलाव बनाया है। ये देखिए महाराज। आहा, सुगंध तो अच्छी आ रही है। नमक तनिक कम है, किंतु कोई बात नहीं, नमक की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती। इसलिए तुम दोनों ने सराहनीय कार्य किया है अम्मा और शारदा। किंतु ये क्या, तरकारी में घी की मात्रा कम? इस घर के मालिक, अष्ट दिग्गज, मुख्य सलाहकार और बस इतना ही। पता है कि तरकारी में घी की मात्रा कम कैसे है? वो क्या है ना कि घी समाप्त होने वाला था, तो जितना भी बचा था हमने इस तरकारी में डाल दिया। वो क्या है कि अब कल शाम को जब जाएंगे तो घी, अर्थात कल संध्या को जब हम बाजार जाएंगे तो घी लेते आएंगे। शारदा ध्यान रखा कर। क्षमा करें अम्मा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, जाओ घी का पात्र लेकर आओ। हम सत्य कह रहे हैं, घी समाप्त हो चुका है। मैंने कहा घी का पात्र लेकर आओ। लेकर आते हैं। आएगा मजा। तुझे क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसे घूर कर देख रहा है? लमा, मुझे चले तो बुद्धिमान बनना है। देख गुंडप्पे, मैंने तुझे पहले ही बोला है, यदि बुद्धिमान बनना है तो आश्रम जाना होगा, शिक्षा ग्रहण करनी होगी, गुरुकुल में रहना होगा। लमा, गुरुकुल तो वन में होते हैं ना? हाँ, सभी गुरुकुल वन में होते हैं। तो मैं गुरुकुल नहीं जाऊंगा। अरे ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अरे लकम, हमें भूख नहीं है। हा? हमारा पाचन ठीक नहीं है। इतने स्वादिष्ट व्यंजन जो आपने बनाया है महारानी चिन्ना देवी, वो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पेट में हमें ठीक नहीं लग रहा है। परंतु महाराज। नहीं महारानी तिरुमलम्बा, हम नहीं खा पाएंगे। कृपया इन व्यंजनों की थाली को ले जाइए। महारानी महाराज को महारानी तिरुमलम्बा का भोजन नहीं ग्रहण करना था, इसी कारणवश हमारा भोजन भी नहीं ग्रहण कर पाए। महाराज जी, महाराज हम आपसे कुछ कहने के अभिलाषी हैं। अवश्य कहिए। महाराज, हम आपसे महारानी तिरुमलम्बा की ओर से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछिए पूछिए। अवश्य पूछिए। महाराज, यदि आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पूर्ण सप्ताह महारानी तिरुमलम्बा के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करना होगा।
परंतु हम परंतु क्या महाराज? नहीं, प्रश्न पूछिए जी। ये है हमारा प्रश्न। मुद्राएं? जी महाराज, यही तो हमारा प्रश्न है। आपको ये तीनों मुद्राएं व्यय करनी होंगी। बस केवल इतना ही करना है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रथम मुद्रा आपको इसके लिए व्यय करनी है। इसके लिए? किसके लिए? इसके लिए का ही तो पता लगाना है महाराज। प्रथम मुद्रा इसके लिए, दूसरी मुद्रा उसके लिए, और तीसरी मुद्रा किसी के लिए भी नहीं व्यय करनी है आपको। जी, इसके लिए, उसके लिए, परंतु किसके लिए? कोई नाम तो होगा, कृपया नाम बता दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, इसके लिए और उसके लिए का कोई भी नाम नहीं है। कोई नाम नहीं? चले समझ लीजिए कि हमने इसके लिए और उसके लिए को ढूंढ लिया और उनके लिए ये मुद्राएं व्यय कर दी, परंतु जो तीसरी मुद्रा है वो किसी के लिए भी व्यय नहीं करनी है, तो हम वो मुद्रा किसके लिए व्यय करेंगे? महाराज, यही तो पहेली है जिसका हल आपको ढूंढना है, और आपके पास मात्र एक दिवस है। महाराज, महाराज, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है। प्रथम दिवस हम आपके लिए गुफाओं में उगे जंगली कुकुरमुत्ते का पुलाव बनाएंगे। हम शीघ्र आते हैं। रामा, मुझे बुद्धिमान बनाने के वतन से पलट लाए। अरे मैं कहाँ पलट रहा हूँ, तू पलट रहा है गुंडप्पे। देख, वन में बहुत सारे ऋषियों के गुरुकुल हैं। उनमें से जो सबसे अच्छा गुरुकुल है वहाँ तुझे भेज देते हैं। यही एक तरीका है बुद्धिमान बनने का, और कोई तरीका नहीं है। नहीं अम्मा, वन में नहीं, वन में नहीं। कोई बात नहीं गुंडप्पा, तुझे वन वाले गुरुकुल में नहीं जाना तो कोई बात नहीं। रामा, तू विजयनगर में एक गुरुकुल खुलवा दे। गुरुकुल खुलवा दे? मैं कैसे खुलवाऊं? तू महाराज का विशेष सलाहकार है, अब तो अष्टदिग्गज भी बन चुका है। महाराज को कहकर विजयनगर में एक गुरुकुल खुलवा दे। किंतु अम्मा, नगर में भी भला गुरुकुल होते हैं क्या? और कौन सा गुरु नगर में गुरुकुल खोलने के लिए तैयार होगा? तैयार नहीं होगा तो तैयार कीजिए ना, आप किस लिए है? गुंडप्पा आपका मित्र है ना, क्या आप उसके लिए इतना भी नहीं करेंगे? अरे मैं ठीक है। हाँ, गुंडप्पा की तरह ही न जाने कितने बच्चे वन के भय के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे होंगे। यदि नगर में गुरुकुल खुलेगा तो सभी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं गुरुजी, नहीं, मैं आपका प्यारा शिष्य दरियो गुरुजी, लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी, नहीं, नहीं, गुरुजी। मैं बच गया। दोहरा वार योजना विफल हो गई शैतान सिंह और दिवोदास वाली। कोई बात नहीं, इस बार हम अवश्य सफल होंगे। महाराज, हम आपको एक शुभ समाचार देना चाहते हैं। जी कहिए महामंत्री जी। महाराज, इस वर्ष फसल की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। राजकोष में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष दुगना धन एकत्रित हुआ है महाराज। अच्छा, ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार है। अवश्य गुरुवर। और तो और महाराज, इस वर्ष फसल इतनी अच्छी हुई है, और खास करके करेले की। हमने आपके लिए स्वादिष्ट रक्तवर्धक करेले का पुलाव बनाया है। महामंत्री जी, करेले और भिंडी के अतिरिक्त और कोई मुद्दा हो राज दरबार में तो कार्रवाई आरंभ कीजिए आप। क्षमा चाहते हैं महाराज, जो आज्ञा।
महाराज हम ये कहना चाहते हैं। महाराज आइए 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 पंडित रामकृष्णा जी, आज पुनः विलंब। क्षमा चाहता हूँ गुरुवर। वो बस कीजिए पंडित रामकृष्णा, आपके ये प्रतिदिन के बहाने सुन सुनकर हमारे कान पक गए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि महाराज के कान पक गए। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं पंडित रामकृष्णा, आपके गुरु ने आपको सब पाठ पढ़ाए परंतु सबसे आवश्यक पाठ समय की पाबंदी का पाठ नहीं पढ़ाया। पंडित रामकृष्णा समय बड़ा बलवान होता है, जो उसका निरादर करता है स्वयं नष्ट हो जाता है। आप अपना ही नहीं अपितु हम सबका समय व्यर्थ करते हैं, लज्जा आनी चाहिए आपको। आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर, लज्जा आ रही है, इतनी कि लज्जा के मारे धरती में गिर जाऊं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। ये कैसा उत्तर दिया इसने? महाराज जो त्रुटियां मुझ में हैं वो विजयनगर के बालक बालिकाओं में ना हो इस संबंध में प्रयासरत हूं, बस इसी कारण आने में विलंब हो गया। पूर्व स्वयं को सुधारिए पंडित रामकृष्णा, विजयनगर के बालक बालिकाओं के विषय में बाद में सोचिएगा। गुरुवर विजयनगर के बालक बालिका विजयनगर का भविष्य है, उनकी अवहेलना करना विजयनगर के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। वैसे इसी संबंध में आपके समक्ष एक विचार रखना था, यदि आप आज्ञा दें तो। हम आज्ञा नहीं देंगे। नहीं, हम आज्ञा कैसे दे सकते हैं, आज्ञा तो महाराज देंगे। महाराज से आज्ञा लीजिए। ये पंडित रामकृष्णा क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज मेरी अभिलाषा है कि विजयनगर के बालक बालिकाओं का भविष्य ध्यान में रखते हुए यहाँ नगर में ही एक गुरुकुल की स्थापना करनी चाहिए। विजयनगर में गुरुकुल की स्थापना? बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी पंडित रामकृष्णा। नगर के बीचों बीच भला कोई गुरुकुल स्थापित होते? ना 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 महाराज, गुरुकुल का तो अर्थ ही होता है संसार के भोग विलास से अलग रहकर शुद्ध मन से शिक्षा ग्रहण करना, और पंडित रामकृष्णा गुरुकुल के नियम पर ही आक्रमण कर रहे हैं। महाराज नगर के बीचों बीच गुरुकुल खोलना नियम के विरुद्ध, ऐसा करना अधर्म। गुरुवर गुरुकुल की शिक्षा का लक्ष्य ही यही होता है कि बालक बालिकाओं को संसार में जीवन निर्वाह करने के लिए सक्षम बनाएं, और गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो पुनः नगर अर्थात संसार में ही लौटते हैं। तनिक विचार करें, यदि बालक बालिकाओं को संसार में अर्थात नगर में ही शिक्षा प्राप्त हो तो उन्हें संसार की समस्याओं का अनुभव होगा और वो अपने गुरुजनों से उन समस्याओं के विषय में चर्चा कर उसका निवारण करेंगे, और इस प्रकार शिक्षा प्राप्त बालक बालिकाएं अधिक बुद्धिमान बनेंगे महाराज। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि नगर के बीचों बीच गुरुकुल खुला। महाराज गुरुकुल तो सघन वन में होते हैं, और हमारी राय में नगर में गुरुकुल की स्थापना करना गुरुकुल की मर्यादा को भंग करना होगा। महाराज नगर में गुरुकुल खोलना गुरुकुल की मर्यादा को भंग करना होगा। परंतु गुरुवर, पर कोई भी ऋषि गुरुकुल का प्रधानाचार्य बनने के लिए तैयार नहीं होगा। वही तो, अब जब आप जैसा बुद्धिमान महान श्रेष्ठ ज्ञानी गुरु हमारे साथ है तो विजयनगर को भला क्या आवश्यकता है किसी और गुरु को प्रधानाचार्य बनाने की। महाराज पंडित रामकृष्ण का विचार अनुचित नहीं है। विजयनगर के बालक बालिकाओं के लिए गुरुकुल अत्यंत आवश्यक है। नहीं गुरुवर, हमारा विचार कुछ और है। पंडित रामकृष्ण हमें गुरुवर की प्रतिदिन यहाँ रात दरबार में आवश्यकता पड़ती है, और फिर गुरुवर के कांधों पर पूर्व से ही इतने कर्तव्य हैं। हम एक और कर्तव्य का भार उठाने के लिए तत्पर है महाराज। नहीं गुरुवर, इस आयु में हम आपको और कष्ट नहीं दे सकते।
पंडित रामकृष्ण क्यों ना आप। पंडित रामकृष्ण कैसे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं महाराज? आपके प्रमुख सलाहकार भी पंडित रामकृष्ण, अष्ट दिग्गज भी पंडित रामकृष्ण, और अब आप ये। नहीं गुरुवर, हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामकृष्ण हमारे विशेष सलाहकार, अष्ट दिग्गज होने के साथ साथ प्रधान आचार्य का पद भी सकुशल संभाल लेंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु मैं इस योग्य नहीं कि कच्ची मिट्टी को आकार दे सकूं। बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, हमें एक उचित प्रधानाध्यापक ही ढूंढना होगा। कथन तो सत्य है आपका पंडित रामकृष्ण, ऐसे पद के लिए हमें किसी योग्य गुरु की आवश्यकता होगी, परंतु ऐसा योग्य गुरु हमें मिलेगा कहां? महाराज हम मानते हैं कि हम अत्यंत व्यस्त रहते हैं, परंतु हम ये दायित्व उठाएंगे महाराज। वो विजयनगर के बच्चों के भविष्य का प्रश्न जो है, हम ढूंढेंगे प्रधानाचार्य। धन्यवाद आपका, आप अवश्य ढूंढिए एक उचित गुरु को जी, और हम स्वयं भी ढूंढेंगे। हम स्वयं राज्य में भ्रमण करेंगे और इस गुरुकुल के लिए एक योग्य गुरु ढूंढेंगे। पंडित रामकृष्णा जी महाराज, आप चलेंगे हमारे साथ, आप और हम साथ मिलकर प्रधान आचार्य को ढूंढेंगे। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। पंडित रामकृष्ण के विजयनगर में गुरुकुल खोलने के पीछे अवश्य ही कोई गहरी योजना है, पर हम उसको उसकी योजना में सफल नहीं होने देंगे। गुरुकुल का प्रधानाचार्य हर हाल में हमारा व्यक्ति ही बनेगा, ताकि सब हमारे नियंत्रण में रहे। इससे पूर्व कि महाराज को कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए, हमें ही किसी हमारे योग्य व्यक्ति को ढूंढकर महाराज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इस तरह ये गुरुकुल हमारे नियंत्रण में रहेगा। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह शमशेर, तुम्हारे तीर पर लगा जहर तो बहुत ही घातक है, पुतले को छूते ही उसे खाक कर दिया। बहुत खूब, शुक्रिया सुल्तान, जरा नवाजी का शुक्रिया। वक्त कभी रुकता नहीं और शमशेर का तीर कभी चूकता नहीं। शमशेर, एक तीर दोबारा और चलाना है, और इस बार निशाना ये पुतला नहीं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के सीने पर होगा। एक ही तीर? जी सुल्तान, एक ही काफी है, क्योंकि वक्त कभी नहीं रुकता और शमशेर का तीर कभी नहीं चूकता। शमशेर, आप बुरे वक्त के लिए एक तीर और लेके जाइए। ऐसा नहीं कि हमें आपके हुनर पे कोई शक है, माशाल्लाह आप तो काबिले तारीफ है, पर फिर भी एक तीर और लेके जाइए। जैसा आप कहें। वेश बदलकर प्रधानाचार्य को ढूंढने का विचार अच्छा था महाराज। खाइए महाराज, रक्तवर्धन स्वादिष्ट करेले का पुलाव, खाइए खाइए। आप ठीक तो है महाराज? हाँ हम ठीक है महाराज, नहीं स्वामी बुलाइए हमें। हाँ स्वामी, आप ठीक है?
हमने कहा ना हम ठीक है, पुनः प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पंडित रामकृष्ण। ना 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 स्वामी, पंडित रामकृष्ण नहीं, दास प्रसन्ना कहीं। दास प्रसन्ना, आइए आगे चलते हैं। पंडित प्रसन्ना, आप हमारी समस्या का समाधान दे सकते हैं हमें? कैसी समस्या महाराज स्वामी? आप किसी इसके लिए नामक व्यक्ति को जानते हैं? इसके लिए? जी, इसके लिए, उसके लिए और किसी के लिए नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? किसके लिए स्वामी, इसके लिए, उसके लिए, आप किसके लिए पूछ रहे हैं? छोड़िए प्रसन्ना, आपसे नहीं हो पाएगा। आइए चलते हैं, अपने गुरुकुल के लिए प्रधानाचार्य को ढूंढते हैं। अवश्य ही महाराज, किसी समस्या से ग्रस्त हैं और किसी कारण से मुझे उसमें सम्मिलित नहीं करना चाहते। क्या हुआ प्रसन्ना? महाराज, स्वामी कृपया करके आप मुझे अपनी समस्या के विषय में बताएं। देखिए, आपका अष्ट दिग्गज होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी समस्या का निराकरण करूं। बड़े ही दुष्ट निकले पंडित रामकृष्णा, अकेले में महाराज को लूट रहे। अवश्य ही कोई व्यक्तिगत समस्या है जिसे ना पूछने के लिए महाराज मुझे रिश्वत दे रहे हैं। महाराज, ये पुरस्कार किस लिए? जी मुद्राएं हमने आपको नहीं दिए पंडित रामकृष्णा, महारानी चिन्ना देवी ने ये हमें दिए। ये है हमारा प्रश्न। प्रथम मुद्रा इसके लिए, दूसरी मुद्रा उसके लिए और तीसरी मुद्रा किसी के लिए भी नहीं, व्यय करनी है आपको। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको पूर्ण सप्ताह महारानी तिरुमलम्बा के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करना होगा। महाराज, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। प्रथम दिवस हम आपके लिए गुफाओं में उगे जंगली कुकुरमुत्ते का पुलाव बनाएंगे। तो महाराज, मैं महारानी से कहे कि आपके लिए गुफा के बाहर उगे हुए कुकुरमुत्तों का पुलाव बनवा देता हूँ। उपहास सूझ रहा है आपको, हम अपनी गहन समस्या बता रहे हैं और आपको उपहास सूझ रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्षमा 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 कर दीजिए महाराज, समस्या तो गहन है, गहन है। ये लीजिए महारानी, गुफा में हो गए जंगली कुकुरमुत्ते। अब बनेगा स्वादिष्ट पुलाव। बस इतनी सी बात? आपके पास समस्या का समाधान है प्रसन्ना? हाँ महाराज। स्वामी है, आइए मेरे साथ, आइए आइए। प्रणाम भाई, दो पात्र शीतल पेय तैयार करना। पंडित प्रसन्ना, ये क्या कर रहा? हमें ये प्रथम मुद्रा इसके लिए व्यय करनी है। जी माँ स्वामी, प्रथम मुद्रा इसके लिए ही व्यय कर रहा हूँ। इसके लिए अर्थात ये पेय के लिए? नहीं स्वामी, शीतल पेय बनाने वाले के लिए। देखिए, इसने ये दुकान खोली है ताकि ये दुकान इसके लिए धन अर्जित करके दे सके, क्योंकि इसके लिए धन महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये मुद्रा इसके लिए व्यय हुई। उचित है, उचित है। अब दूसरी मुद्रा उसके लिए व्यय करनी है। महाराज, अब स्वामी थोड़ा धीरज धरे हैं, शीतल पेय का आनंद ले। हाँ अवश्य। अद्भुत, धन्यवाद। बाबा, जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर आपको समृद्धि प्रदान करे। स्वामी कृपया आकर इनसे आशीर्वाद लें।
ये आपको उसकी तरफ से आशीर्वाद देना चाहते हैं। उसकी अर्थात? अर्थात जिसके लिए मुद्रा व्यय की उसकी ओर से। बाबा जुग जुग जियो बेटा, ईश्वर आपको समृद्धि प्रदान कर। मुख से तो राजा प्रतीत होते हो। धन्यवाद। ये उसके अर्थात ईश्वर प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न आपने तो हमें, अद्भुत। हम आपकी बुद्धिमता के प्रशंसक हैं। अब ये बताइए, इसके लिए और उसके लिए तो मुद्राएं व्यय हो गई, अब वो मुद्रा कैसे व्यय होगी जो किसी के लिए नहीं करनी है? आइए महाराज। अब स्वामी आइए। भाई मेरी मुद्रा भी दांव पर लगा दो। भैया इस बार आपका दांव नहीं लगा। कोई बात नहीं, एक दांव और खेल लीजिए। नहीं नहीं भाई, अब और मुद्रा नहीं है मेरे पास, रहने दो। हाँ? ये लीजिए महाराज, बड़ी महारानी के अनुसार तीसरी मुद्रा जो किसी के लिए भी व्यय नहीं करनी थी उसका उपयोग भी हमने कर लिया। पंडित रामकृष्ण, आपने वो मुद्रा दांव पे लगा दी और दांव आप हार गए। इसका अर्थ ये कैसे हुआ कि आपने मुद्रा किसी के लिए भी व्यय नहीं की? स्वामी ऐसा कहते हैं कि जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। आज हम हारे हैं, हमसे जीतने वाला कल किसी और से हारेगा, उससे जीतने वाला कल किसी और से हारेगा। इस प्रकार कोई भी इस मुद्रा को व्यय नहीं कर पाएगा, अतः ये तीसरी मुद्रा हमने किसी के लिए भी व्यय नहीं की। अद्भुत खेल है। खेली खेली। ये पंडित रामकृष्ण महाराज के साथ मिलकर योग्य गुरु की खोज कर रहा है या कुछ और? अवश्य पंडित रामकृष्ण की कोई चाल है, हमें निरंतर इन पर दृष्टि रखनी होगी। क्या हुआ महाराज, आप फिर से क्लांत क्यों हो गए? हम ये विचार करके चिंतित हो रहे पंडित रामकृष्ण की, यदि महारानी चिन्ना देवी ने हमें कोई उल्टा फुल्टा प्रश्न पुनः पूछ लिया जिससे हम फंस गए, तो अब हर बार आप हमारी सहायता के लिए तो नहीं आ पाएंगे ना? तो महाराज आप बड़ी महारानी को कोई प्रश्न पूछने का अवसर ही ना दे। अर्थात? अर्थात आप स्वयं उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जिसका उत्तर वो दे ही ना पाए। परंतु ऐसा प्रश्न होना भी तो चाहिए पंडित रामकृष्ण, है ना महाराज? क्या बात क्या कर रही है? आप बड़ी महारानी से ये पूछिए कि जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तो प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? अद्भुत। इसका उत्तर क्या है पंडित रामकृष्ण? महाराज इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। इसका अर्थ जिस प्रश्न का उत्तर ही ना हो उसका उत्तर महारानी कैसे दे? अद्भुत। अच्छा महाराज हम अपना कार्य पूर्ण कर लें जिसके लिए आए थे। कार्य पूर्ण? प्रधानाचार्य। हाँ अवश्य आए आइए आइए। पंडित रामकृष्ण, हाँ। हमें इन बच्चों की सहायता करनी चाहिए। देखो
बुद्धि में ही शक्ति है। पंडित रामकृष्ण, आप क्या विचार कर रहे हैं? हमें तो प्रतीत होता है कि हमें योग्य गुरु मिल गए। सत्यवचन महाराज, मिल गए। महाराज, ये महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, स्वागत है आप दोनों का। महाराज, आज आप अत्यंत ही प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं। होना भी चाहिए। महारानी तिरुमलम्मा ने आपके लिए बड़े ही चाव से जंगली कुकुर मुद्दे का पुलाव जो बनाया है, ये देखिए। धन्यवाद धन्यवाद, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने आपकी दी हुई तीनों मुद्राएं आपके कथन अनुसार व्यय कर दी है। प्रथम मुद्रा हम लेकर गए एक शीतल पेय पिलाने वाले के पास, वो मुद्रा दी और हमने वो शीतल पेय पिया, तो प्रथम मुद्रा हमने इसके लिए व्यय की। दूसरी मुद्रा लेकर हम एक भिक्षु के पास गए और वो मुद्रा उन्हें दी। उस भिक्षु ने उसके लिए अर्थात ईश्वर के लिए वो मुद्रा स्वीकार की और हमें आशीर्वाद भी दी, अर्थात दूसरी मुद्रा हमने उसके लिए व्यय की। और तीसरी मुद्रा लेकर हम जुआ खेले और वो मुद्रा हार गए, तो अब तीसरी मुद्रा हमने इसी के लिए भी व्यय नहीं की। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जुए में कमाया हुआ धन किसी के काम नहीं आता। महारानी चिन्ना देवी, आपने महाराज से इतने सरल प्रश्न क्यों पूछे? अब महाराज जंगली कुकुर मुद्दे का पुलाव कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं, हम महाराज से प्रश्न पूछते हैं। नहीं नहीं महारानी तिरुमलम्बा, पहले महारानी चिन्ना देवी ने आपकी ओर से हमें एक प्रश्न पूछा, अब हम आपको एक प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न ये है कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ तो प्रथम रात्रि हुई थी या दिवस? तो कौन सा प्रहर था? क्या वो दिवस था कि वो रात्रि थी? महाराज हमें क्षमा कीजिए, हमें एक महत्वपूर्ण कार्य स्मरण हुआ है, हम उसे पूर्ण करके आते हैं। महारानी चिन्ना देवी जी, आप हमें अकेला छोड़कर जाएंगी? महारानी तिरुमलम्मा, ये प्रश्न महाराज ने आपसे पूछा है, हमसे नहीं। ये प्रश्न हमने अवश्य महारानी तिरुमलम्बा से पूछा है, परंतु इसका उत्तर ढूंढने में आप उनकी सहायता कर सकती हैं। और यदि इसका उत्तर आप दोनों को नहीं मिला तो हमें बड़े खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे एक माह तक हम महारानी तिरुमलम्बा के हाथ से बने हुए व्यंजन खा नहीं पाएंगे। खेद है, परंतु करना पड़ेगा, ये हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है। अन्य है पंडित रामकृष्ण, आपने पुनः हमें बचा लिया। गुंडप्पे, सुन, मैंने जो तुझे वचन दिया था ना, वो मैंने पूर्ण कर दिया है। अब तू एक बालक के रूप में यहाँ से जाएगा और एक सुंदर सुशिक्षित नवयुवक बनकर लौटेगा। अम्मा, महाराज ने नगर में गुरुकुल खोलने की अनुमति दे दी है और हमने तो एक योगी गुरु ढूंढ भी लिया है। लावा, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। हाँ, ओ शारदा महोदया, इतना अच्छा समाचार सुनाया, मुंह तो मीठा कराओ। अभी लाते। हाँ, जाओ जाओ। महर्षि विद्याधर जी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहते हैं महाराज। महर्षि विद्याधर, ये कौन है और हमसे भेंट करना क्यों चाहते हैं? महाराज, ये वही व्यक्ति हैं जिनका कल आपने आश्रम के प्रधानाचार्य बनने के लिए चयन किया है। तो गुरुवर, ये बात आपको कैसे ज्ञात है? पंडित रामकृष्णा, विजयनगर के राजगुरु हैं हम, हमसे कुछ छुपा नहीं है। महाराज,
कृपया महर्षि को दरबार में आने की अनुमति दें। अवश्य गुरु। मां मंत्री जी, महर्षि विद्याधर को आदर पूर्वक दरबार में प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उपयुक्त समझा, मैं इस विश्वास का कोटि कोटि नमन करता हूँ। बालक बालिकाओं को बुद्धिशाली बनाने से महान कार्य कोई है ही नहीं। बुद्धि में ही शक्ति है। जानकर प्रसन्नता हुई। महाराज, आपने योग्य गुरु तो चुन लिया, परंतु अभी भी एक निर्णय लेना शेष। कैसा निर्णय गुरुवर? यही कि महाराज, गुरुकुल में अध्ययन करेगा कौन? ये कैसा प्रश्न है गुरुवर? गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषी छात्र अध्ययन करेंगे, और कौन? नहीं 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 पंडित रामाकृष्णा जी, हमने शास्त्र से सम्मत प्रश्न पूछा है। महाराज, शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि शिक्षा प्राप्ति के लिए योग्य छात्र को ही शिक्षा मिलनी चाहिए, हर किसी ऐरे गहरे नथू खैरे को नहीं। किंतु गुरुवर, पंडित रामाकृष्णा, अभी हमारी बात पूर्ण नहीं हुई है, हमें हमारी बात पूरी करने दीजिए। हमारे विचार के अनुसार महाराज, गुरुकुल में शिक्षा मात्र राजपुत्रों को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी शिक्षा का सबसे पहला अधिकार राजपुत्रों का है। इन्हीं राजपुत्रों के कंधों पर कल राज्य का भार आने वाला है, यही कल का भविष्य है महाराज। तो महाराज, आप कृपया आसपास के राजकुमारों को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करें। इससे विजयनगर भारत में शिक्षा का केंद्र बन जाएगा महाराज, और हमें दोहरा लाभ होगा महाराज। प्रथम, विजयनगर पराक्रम के साथ साथ शिक्षा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, और दूसरा, हमारे गुरुकुल से पढ़कर गए राजपुत्रों का राजा बनने के पश्चात विजयनगर से सदैव अच्छा संबंध रहेगा, और विजयनगर पर कभी भी किसी बाहरी आक्रमण का भय नहीं रहेगा महाराज। परंतु यह तभी संभव हो सकता महाराज, जब आप हमारी राय को मानकर गुरुकुल को मात्र राजपुत्रों के लिए आरक्षित रखेंगे। किंतु गुरुवर, इस तरह तो सामान्य नागरिकों के बालक बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। पंडित रामाकृष्णा, यदि सामान्य नागरिकों के बालक बालिका आएंगे तो राजपुत्र नहीं आएंगे। आपका कथन उचित है गुरुवर। कूटनीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध सुधारने के परिप्रेक्ष्य में आपका सुझाव उचित प्रतीत हो रहा है गुरुवर। रामा, गुरुवर ने तो सभी सामान्य बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया है। क्षमा करें महाराज, किंतु शिक्षा पर तो सबका समान अधिकार होना चाहिए। शिक्षा तो बिना किसी भेदभाव के सबको प्राप्त होनी चाहिए महाराज। तो पंडित रामाकृष्णा, आप ये कहना चाहते हैं कि शास्त्र गलत हैं, आप सही हैं? नहीं गुरुवर, मैं ये नहीं कह रहा कि शास्त्र गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि शास्त्रों में वर्णित बात की व्याख्या आप गलत कह रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं पंडित रामाकृष्णा कि हमें विजयनगर के राजगुरु को शास्त्रों की समझ नहीं है, हम शास्त्रों की गलत व्याख्या कर रहे हैं? नहीं गुरुवर, मैं केवल ये। पंडित रामाकृष्णा, गुरुवर का कथन उचित है। सामान्य नागरिकों के बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिलनी चाहिए या नहीं, ये चर्चा का विषय, परंतु इसकी चर्चा हम फिर करेंगे। ये अन्याय है, ना केवल गुंडप्पा के साथ अपितु उन सभी युवाओं के साथ जो राजपुत्र नहीं है परंतु शिक्षा पाने के अभिलाषी है। महाराज, राजपुत्रों को भी गुरुकुल में प्रवेश देने से पूर्व परीक्षा देनी होगी, जिससे योग्य छात्र को
गुरुकुल में प्रवेश दिया जा सके। उनका बुद्धि परीक्षण होगा क्योंकि बुद्धि में ही शक्ति है। जैसा आप उचित समझे मान्यवर। किंतु महोदय, जो योग्य ना हो उस शिष्य को भी शिक्षा देना गुरु का धर्म होता है। ये क्या कर रहे हैं आप पंडित रामकृष्ण? आप हमें छोड़कर महर्षि विद्याधर के पीछे पड़ गए। महाराज कृपया इन्हें कहिए कि गुरुकुल पर कोई टिप्पणी ना करें। अब गुरुकुल का दायित्व हमारे अर्थात महर्षि विद्याधर के योग्य कंधों पर आ गया है। आप निश्चिंत रहिए पंडित रामकृष्ण, ये जो भी करेंगे उचित करेंगे। उचित है गुरुवर, आज की सभा यही समाप्त होती है। रामा, ये सोच कि ये समाचार तू घर पर कैसे बताएगा? घर पर तो तूने बड़ी बड़ी बातें कर दी, गुंडप्पा का हृदय टूट जाएगा रामा। हाँ बंधु, मैं भी यही सोचकर चिंतित हूँ। लामा आ गया। अरे लामा, तू बोली पुस्तकें नहीं लाया? गुंडप्पा, गुरुकुल में गुरु मौखिक ज्ञान देते हैं, पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। अरे वाह, ये तो अति उत्तम हुआ। अब मुझे बालीवल कम पुस्तकों का बोझ नहीं धोना पड़ेगा। परंतु गुरु जो मौखिक शिक्षा देते हैं उन्हें ध्यान में रखने के लिए तुझे लिखना होगा। कोई बात नहीं अम्मा, मैं लिख लूंगा। लामा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना प्रसन्न हूँ। आज जीवन में प्रथम बार ऐसा आभास हुआ कि मेरा कोई महत्व है। लामा, तू तुक गए? अम्मा, दे दो ना। मुझे ज्ञात है कि रामा ये सोचकर उदास है कि कल अपने मित्र से बिछड़ जाएगा। कोई बात नहीं रामा, गुंडप्पा कहीं दूर थोड़ी ना जा रहा है। गुरुकुल यही विजयनगर में ही तो है। जब तेरा मन हो गुंडप्पे से जाकर मिल लेना। कैसे बताऊं गुंडप्पा को कि गुरुकुल में मात्र राजपुत्र अध्ययन करेंगे, इसका वहां कोई स्थान नहीं है। बुद्धि में ही शक्ति है। और हमारी बुद्धि की शक्ति तुम देख ही चुके हो विद्याधर, कभी मत भूलना। विजयनगर राज्य के सबसे बड़े गुरुकुल के प्रधानाचार्य बने हो तुम, हमारी कृपा से। अन्यथा तुम्हारे तो लक्षण ऐसे हैं कि तुम्हें कोई चौकीदार भी न रखे। अब ये हमारे अलावा और कौन जानता है? तिलक नगर के तीन बालक तुम्हारे द्वारा दिए गए दंड के कारण भयभीत होकर अपने घर से भाग गए थे, और इसी कारणवश तुम्हें तिलक नगर से निकाल दिया गया था। देखा मणि, अंततः अपना ये खुशर बुड्ढा प्रधानाचार्य पद के लिए अपना ही व्यक्ति चुन के ले आया। और हम ये भी जानते हैं कि तुम सुल्तान के यहाँ मौलवी बनकर रह चुके हो, वहां से भी तुम्हें निकाला गया है। क्यों भय लग रहा है? भयभीत ना हो, हम है ना यहाँ, यहां से तुम्हें निकलने नहीं देंगे। बस जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा करते जाओ, ताकि ये राजपुत्र अपने वश में रहे। और राजपुत्र अपने वश में होने का अर्थ है ये पंडित रामकृष्णा जैसे कितने आए जाए हम सबसे निपट लेंगे। और यही होगा हमारा पंडित रामकृष्णा पर दोहरा वार।
मुझे तुम तीनों से कुछ कहना है। महाराज ने गुरुकुल केवल राजपुत्रों के लिए आरक्षित कर दिया है। तो क्या हुआ, हमारा गुंडप्पा किसी राजपुत्र से कम है क्या? मां समझने का प्रयास करो। महाराज के इस आदेश के कारण अब गुंडप्पा उस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। क्या? तू चिंता मत कर गुंडप्पे, मैं तेरी शिक्षा का कुछ और प्रबंध करूंगा। नहीं लामा, मुझे उसी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर लिया। लामा तूने वचन दिया था, अब वचन भंग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दे गुंडप्पे, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। राजपुत्रों को आरक्षण की क्या आवश्यकता, वो तो स्वयं ही सक्षम होते हैं। तूने महाराज के इस निर्णय का विरोध क्यों नहीं किया? कैसे करता अम्मा, अभी तो अष्टदिग्गज का पद प्राप्त हुआ है, अभी तो महाराज के हमें आय मिलाएगा ना। कोई बात नहीं लामा, मैं जीवन भर अशिक्षित लूंगा। परंतु तेरे अष्टदिग्गज के पद को संकट में नहीं आने दूंगा। लामा अब मैं तेरे साथ नहीं ले सकता, मैं जा रहा हूं। गुंडप्पा अकेला नहीं जाएगा, हम भी घर छोड़कर जाएंगे। अरे किस बात का अष्टदिग्गज है तू, जो अपने मित्र की ही शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकता? अरे ओ सदैव घर छोड़ने के लिए तत्पर सेना, रुक जाओ। तुम दोनों तो समझदार हो, ये बच्चा है, किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गुंडप्पे मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुझे उसी गुरुकुल में प्रवेश अवश्य दिलवाऊंगा। रामा मुझे तेरे वचन पर भरोसा नहीं। चुप कर, क्षमा कर, मैं जानता हूँ मैं अपना वचन निभा नहीं पाया, किंतु अब मैं ही ये सुनिश्चित करूंगा कि तुझे उसी गुरुकुल में प्रवेश अवश्य मिले। किंतु मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे परीक्षा की तैयारी करनी होगी, क्योंकि प्रवेश उसी को मिलेगा जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुंडप्पे, मेहनत लगन और मनोबल की आवश्यकता होती है, और फिर मैं तो हूँ ही तेरा मित्र, क्यों? ठीक है लामा, तो मुझे परीक्षा के लिए तैयार कर, मैं अवश्य उत्तीर्ण होऊंगा। ये हुई ना बात, अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं सर्वप्रथम तुझे ये ज्ञान देता हूँ कि सदैव परिस्थिति को देख कर ही निर्णय लेना चाहिए, तभी सही निर्णय लेना संभव होता है। मैं सब समझ गया लामा। जैसे तूने परिस्थिति को समझा जब अम्मा ने तुझे धमकी दी कि वो गल तोड़ के तली देगी, और तूने उसी प्रकार ये निर्णय लिया। धीरे धीरे सभी राजपूत विजयनगर में उपस्थित होने लगे, और जब वो आ जाएंगे तब महर्षि विद्याधर उनकी परीक्षा लेंगे, और जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हीं विद्यार्थियों को गुरुकुल में प्रवेश मिलेगा। राजकुमारों को गुरुकुल में प्रवेश मिलेगा। मैं कृष्णदेव राय के लिए लोक के दरवाजे खोल दूंगा। कृष्णदेव राय, ये शमशेर तुम्हारा काल बन के आया है। काल, वक्त कभी रुकता नहीं, शमशेर का तीर कभी चूकता नहीं। ये कहां लेके आ गए? यहाँ तो सांप है। निकल गया। गुरुवर, गुफा में सांप नहीं तो क्या हाथी होगा? चिंता मत कीजिए, सर्पदंश का उपचार भभूति बाबा के पास है। भभूति बाबा? गुरुवर, पंडित रामाकृष्णा पर जो दोहरा वार करने के लिए शस्त्र चाहिए वो बाबा भभूति के पास ही मिलेगा। अच्छा? हाँ चलो चलो।
बुद्धि में ही शक्ति है। भभूति बाबा, विद्याधर का प्रणाम स्वीकार करें। बाबा, विजयनगर राज के राजगुरु हैं, इन्हें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या है? अपनी मनसा प्रस्तुत कीजिए गुरुवर। चुप रहो। बाबा भभूति सब कुछ जानता है। चार पुड़िया मतलब चार बार। तुम जिस पर भी इस पुड़िया का भभूत छिड़कोगे, वो आधे पहर के लिए तुम्हारा दास बन जाएगा और तुम उससे अपने सारे मनवांछित काम करवा सकते हो। इस पुड़िया के प्रभाव से वो दास तुम्हारा हरेक आदेश को पालन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। रामा, यदि तू गुंडप्पा को प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करवा भी देगा, तब भी गुंडप्पा परीक्षा कैसे दे पाएगा? तूने तो कहा था कि गुरुकुल मात्र राजपुत्रों के लिए आरक्षित है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है मुझे एक बार महर्षि विद्याधर जी से मिलना चाहिए। कदापि वो ही गुंडप्पे के लिए कुछ व्यवस्था कर सके। आज हम अत्यंत प्रसन्न। इस पुड़िया की भभूत से पंडित रामाकृष्णा को अपना दास बनाएंगे, उसे उल्टे सीधे कार्य करवाएंगे और पूरे विजयनगर में उसे बदनाम कर देंगे। स्वामी, आदेश दे, मैं दास हूं आपका। आदेश यह है कि आज तुम दरबार में महाराज के समक्ष विचित्र क्रियाकलाप करना, नाचना और मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जो आ गया स्वामी। पंडित रामकृष्णा, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है, ये क्या कर रहे हैं आप? पंडित रामकृष्णा, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है ये?